हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी अभिपीडिया का जो यूट्यूब चैनल है उस पर हमारी फ्री सीरीज जो चल रही है, ठीक है, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े भी हैं और प्री रिलेटेड भी हम बहुत सारी चीज़ें क्रिस्प फैक्ट्स आपके लिए फटाफट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आ रहे हैं। उसी में आपकी एक सीरीज चल रही है इंडिया एंड द न्यू वर्ल्ड, ठीक है, न्यू इंडिया एंड द वर्ल्ड से एक आपकी सीरीज चल रही है जिसमें हम आईआर रिलेटेड एस्पेक्ट्स कवर करते हैं। चलिए तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया टोगो रिलेशंस को, ठीक है, इंडिया टोगो रिलेशंस को हम डिस्कस करेंगे। और टोगो जो है ये आपकी एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है और ये न्यूज में था रिसेंटली। न्यूज में होने का कारण ये था कि इंडिया एंड टोगो ने जॉइंटली ये एग्री किया है टू एस्टैब्लिश टू सोलर पावर प्रोजेक्ट्स इन टोगो, ठीक है। टोगो जो एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, अभी टोगो से रिलेटेड फैक्ट्स हम अभी आगे चलकर देखेंगे, ठीक है। तो इंडिया और टोगो ने ये एग्री किया है टू साइन दैट पैक्ट। अब मैं आपको एक और फैक्ट बता दूं कि टोगो जो है, टोगो इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसका इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, और उस तरह से टोगो जो है पहला आईएसए देश बनता है जिसके साथ हिंदुस्तान की एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है एनटीपीसी, इसने एक ऐसा एग्रीमेंट साइन किया है आईएसए के तहत, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि एनटीपीसी का क्या रोल है, जो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है। तो इसको ये जिम्मेदारी मिली है कि ये टोगो में ये दो सोलर पावर प्रोजेक्ट्स एस्टैब्लिश करे। अब ये दो सोलर पावर प्रोजेक्ट्स लगने कहां पर है, किस लोकेशन पर, तो ये दो जो लोकेशन है टोगो में वहां पर लगेंगे, एक है आपकी दपाउंग, एक है आपकी दपाउंग और एक है आपकी मैंगो, ठीक है। तो इन दो जगहों पर ये थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे। अब कुछ फैक्चुअल बातें कर लेते हैं, क्योंकि प्री जो है आपका पिछले 2-3 साल से अगर आपने एग्जाम देखा हो तो काफी ज्यादा फैक्ट ओरिएंटेड बनता जा रहा है। तो अगर मैं एनटीपीसी की बात करूं तो एनटीपीसी जो है ये 1975 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टैब्लिश की थी, 2010 में इसको महारत्न स्टेटस मिला, ठीक है, 2010 में इसको क्या मिला, महारत्न स्टेटस। जो सरकारी कंपनियां होती हैं उनको अक्सर जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टेटसेस दिए जाते हैं, जैसे नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न, अकॉर्डिंग टू देयर यू नो कि वो क्या प्रोडक्शन कर रही है, क्या उनका टर्नओवर वगैरह है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 2010 में महारत्न स्टेटस मिला और नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इसकी जो है फुल फॉर्म है। और इसका हेडक्वार्टर भी हम देख लेते हैं, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, हेडक्वार्टर है बच्चों इसका दिल्ली में। तो ये आपके पास फैक्चुअल डिटेल आ गई ताकि आपके फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ना गलत हो। चलिए तो ये एनटीपीसी रिलेटेड हो गया। अब ये एनटीपीसी को ये जो प्रोजेक्ट मिला है ये कैसे मिला है, ये मिला है स्विस चैलेंज के थ्रू, स्विस चैलेंज के थ्रू। अब ये बेसिकली आपका स्विस चैलेंज क्या होता है, देसी भाषा में देसी तरीके से समझो, कोई एक कंपनी सरकार के पास गई, ज्यादातर ये पब्लिक प्रोजेक्ट्स के लिए ही स्विस चैलेंज होता है। एक कंपनी सरकार के पास गई, उसने सरकार को बोला कि ऐसे ऐसे हम आपको एक प्रोजेक्ट सजेस्ट करते हैं, सरकार उस प्रोजेक्ट को एनालाइज करेगी, अच्छा इसमें ये बातें हैं, ये पॉइंट्स हैं, ये इसने कॉस्ट दी है, ये चार्ज करेगा, सब कुछ सरकार एनालाइज करती है। अगर सरकार को वो प्रोजेक्ट अच्छा लगता है तो सरकार सीधा उस कंपनी को जो सरकार के पास ऑफर लेकर पहुंची थी, सीधा उसको ये नहीं कह देगी चल तू कर काम, सरकार क्या करेगी, पहले पब्लिकली उसको पब्लिश करेगी, ठीक है, उस प्रोजेक्ट को कि भाई हम ये एक प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, इसके लिए आप बिडिंग करो, ठीक है, तो लोग बिडिंग करेंगे, ठीक है। अब सरकार अगर कोई कंपनी, कोई और कंपनी जो कंपनी सरकार के पास लेकर पहुंची थी उससे कोई डिफरेंट कंपनी बिडिंग कम करती है, यानी कि कम दाम में काम करने को तैयार होती है, तो सरकार फिर से जो कंपनी जो पेश किया था जिस कंपनी ने उसके पास जाएगी और उसको कहेगी कि देख भाई दूसरे बंदे ने कहा है कि हम कम में काम कर देंगे, तो अब तेरे पास चॉइस है, या तो तू उसकी कॉस्ट या उससे कम की कॉस्ट में काम करेगा तो तेरे को देंगे प्रोजेक्ट, नहीं तो हम उसको दे देंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका बेसिकली स्विस चैलेंज का फंडा, और स्विस चैलेंज के थ्रू ही फाइनली एनटीपीसी को ये प्रोजेक्ट मिला है। चलिए तो ये हो गई बात एनटीपीसी की, स्विस चैलेंज की। अब बात करते हैं हम टोगो की। तो अगर हम टोगो की लोकेशन देखें, यहां पर आपके सामने अब मैप आएगा टोगो का, तो अगर आप देखो टोगो इज अ वेस्ट अफ्रीकन कंट्री, अगर आप इसके वेस्टर्न साइड पे देखो तो घाना है, ईस्टर्न साइड पे बेनिन है और नॉर्दर्न साइड पे बुर्किना फासो है। तो तीन कंट्रीज से ये सराउंडेड है। प्री में अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि भाई बॉर्डर कौन से देश से कर रहा है, तो आपको क्लियर हो गया कि भाई घाना, बेनिन और बुर्किना फासो, ये इसके तीन जो है सराउंडिंग है। चलो नेक्स्ट, उसके बाद अगर आप साउथ में देखो तो आपका जो गल्फ ऑफ गुनी है,
वो इसके साउथ में है, ठीक है, समंदरी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि गल्फ ऑफ गिनी जो है ये कौन सी अफ्रीकन कंट्रीज को लगता है, तो ये भी आप इसका आंसर इजीली कर दोगे। उसके बाद बात करते हैं टोगो की कैपिटल क्या है। तो टोगो की कैपिटल है बच्चों लोम, लोम, एल ओ एम ई। तो ये है टोगो की कैपिटल लोम। सब सहारन नेशन है, ठीक है, सब सहारन अफ्रीका वाला जो रीजन है उसमें ये देश आता है। और जो इसकी इकोनॉमी है लार्जली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि कॉफी, कोकोआ बीन्स एंड पीनट्स। इसके पास काफी ज्यादा फॉस्फेट रिजर्व्स हैं, और वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉस्फेट रिजर्व्स जो है आपके टोगो के पास है। ऑफिशियल लैंग्वेज टोगो की फ्रेंच है, ऑफिशियल लैंग्वेज टोगो की फ्रेंच है। और स्लेव कोस्ट, स्लेव कोस्ट, क्योंकि काफी जो कॉलोनीज थी वो यहां से स्लेव्स वगैरह अपने लेकर जाया करती थी टू सर्व, तो इसलिए इसको स्लेव कोस्ट भी कहा जाता है। तो ये थे आपके कुछ फैक्ट्स इंडिया टोगो रिलेशन से रिलेटेड, और जो आपके प्री में एक्सटेंसिवली पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।